जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई चैनल 300 प्लस वैकेंसी, जिसके लिए कि ऑनलाइन अप्लाई हुए। ऑनलाइन अप्लाई के बाद यहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होने वाला था। जी हाँ, रिटर्न के बाद आप लोग का फिजिकल के बाद आप लोग की टाइपिंग के बाद आप लोग की मेडिकल के बाद आप लोग की ज्वाइनिंग होनी थी। यहां तक कि मैंने आप लोगों को नोटिस के माध्यम से जानकारी दी थी। जी हाँ, उस नोटिस में बिल्कुल क्लियर था कि आप लोग के रिटर्न एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन एंड मौके पे ही बीएसएफ ने आपके सिलेक्शन प्रोसेस को ही चेंज कर दिया। सबसे पहले अब आप लोग के फिजिकल चल रहे हैं। जी हाँ, फिजिकल चल रहे हैं, जो कि 21 दिसंबर 2022 से ही यहाँ पे आप लोग के फिजिकल चल रहे हैं। जनवरी 2023 लास्ट तक आप लोग के यहाँ पे फिजिकल चलने वाले हैं। फिजिकल काफी कैंडिडेट हैं फिजिकल देने वाले। जी आप लोगों को पता होना चाहिए, 6 लाख प्लस कैंडिडेट हैं जिन्होंने के फिजिकल यहाँ पे देना है, और बहुत से कैंडिडेट हैं जो कि फिजिकल यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। जी हाँ, फिजिकल क्लियर करने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत ही ज्यादा है। इसकी साथ जानकारी मैं आप लोग को आने वाले समय में प्रोवाइड कराऊंगा। कोई प्रॉब्लम आप लोग को सेंट्रो पे नहीं हो रही है, हाइट चेस्ट आपकी ठीक है, डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप लोग को कोई प्रॉब्लम आती तो आप लोग मुझसे पूछिए या फिर प्रीवियस वीडियो देखिए, और फिजिकल क्लियर करके ही आप लोगों को आना है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फिजिकल क्लियर कर लिया है, रिटर्न एग्जाम की तैयारी में लगे हुए, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके फिजिकल होने वाले हैं बट कॉन्फिडेंस है कि हमारा फिजिकल निकल जाएगा और रिटर्न एग्जाम की तैयारी में लगे हुए। जी अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का रिटर्न एग्जाम के बेस पे ही आप लोग का सिलेक्शन होना है। जितने अच्छे नंबर होंगे उतना ही ज्यादा आप लोग के सिलेक्शन के चांस होंगे। तो चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आप लोग को इसमें कवर किया गया। 20 प्रैक्टिस सेट है, इसमें आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा रिटर्न एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने में। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन परचेज कीजिए, ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, रिटर्न एग्जाम बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिटर्न एग्जाम की तैयारी आप लोग को करना। मैं आप लोग को बता दूं, पुराना शेड्यूल मैंने आप लोग को दिखाया था जब आप लोग के रिटर्न एग्जाम पहले होने थे, लेकिन नए शेड्यूल की जानकारी मैंने आप लोग को नहीं दी है कि अभी आप लोग का फिजिकल के बाद रिटर्न कब होगा, रिटर्न के बाद टाइपिंग कब होगी, टाइपिंग के बाद मेडिकल कब होगी। तो आज का जो मेरा वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला, आज मैं आज अपने इस वीडियो में आप लोग को आपके रिटर्न एग्जाम, जी हाँ, रिटर्न एग्जाम की डेट और उसके रिजल्ट की डेट की जानकारी दे दूंगा। इसके अलावा बाकी सभी डिटेल मेरे पास है, लेकिन आने वाले समय में ही आप लोग को उसकी जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देने में प्रॉब्लम होती है। इंफॉर्मेशन यदि ऊपर नीचे होती है तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। तो आपको अपने इस वीडियो में रिटर्न एग्जाम की डेट और उसके रिजल्ट की डेट की जानकारी यहां पे मिलने वाली है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, जो नोटिस, जो जानकारी मेरे पास आई है उसके माध्यम से मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं आप लोग के रिटर्न एग्जाम फिजिकल आप लोग के 21 दिसंबर 2022 से यहाँ पे चल रहे हैं, बिल्कुल कंफर्म है। और इसके अलावा रिटर्न एग्जाम जो आप लोग का होने वाला है वो 12 मार्च 2023 की डेट यहाँ पे निकल के आ रही है। जी अभी तक जो इन्फॉर्मेशन यही है कि 12 मार्च 2023 में आप लोग का रिटर्न एग्जाम ले लिया जाएगा और रिटर्न एग्जाम आप लोग के हो जाने चाहिए। बिल्कुल अभी तक की इन्फॉर्मेशन यही है। तो तैयारी में आप लोग लग जाइए, फिजिकल देने जा रहे हैं, फिजिकल क्लियर कीजिए और आके रिटर्न एग्जाम भी आप लोग को क्लियर करना है। जी हाँ, आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी जानकारी देखिए, मैं अभी से आप लोग को नहीं बता सकता, लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो 12 मार्च 2023 की ही है, और सब कुछ सही रहा तो यही डेट आप लोग की रहेगी, बाकी आगे देखी जाएगी। इसके अलावा रिजल्ट की जानकारी दी जाए तो आप लोग की 14 अप्रैल 2023, जी हाँ, 14 अप्रैल 2023 को आप लोग का रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। 14/4/2023 को आपका रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। तो रिटर्न एग्जाम की डेट और रिजल्ट की जानकारी दे दी है, जो जानकारी मेरे पास आई है वो मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दी है। टाइपिंग की भी डिटेल है, सबकी डिटेल है, लेकिन ये सब जानकारियां मैं आप लोग को अभी नहीं दूंगा, इसके लिए आप लोग वेट कीजिए, लेकिन बहुत ही जल्द आप लोग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही जल्द बीएसएफ की ये भर्ती कंप्लीट होगी, आप लोगों को समझना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस चेंज करने के बावजूद भी कितनी जल्दी आप लोग के यहाँ पे फिजिकल लिए जा रहे हैं, तो इससे आप लोग को जानकारी मिल रही होगी कि हमारा प्रोसेस यानी कि हमारा सिलेक्शन बहुत ही जल्द हम लोग बीएसएफ में वर्किंग में होंगे। जी हाँ, वर्किंग में होंगे। इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लोग को लेनी है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। तो मार्च का मंथ आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।